दोस्तों, महाभारत काल में एकलव्य का किरदार अपनी गुरु भक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। सब जानते हैं कि वो कितना अच्छा धनुर्धर थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे उनका अंगूठा मांग लिया था। पर बहुत ही कम लोग एकलव्य के आगे की कहानी जानते हैं। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि एकलव्य का वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया था, चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, संसार में बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के ही रिश्तेदार थे। हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के दादा सूरसेन के 10 पुत्र और 5 पुत्रियां थी, जिसमें से श्री कृष्ण के पिता वसुदेव सबसे बड़े थे। वसुदेव के ही चौथे भाई शतरुद्र को निषादों ने पालकर बड़ा किया था और उन्ही के पुत्र एकलव्य थे। इस तरह एकलव्य जन्म से भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, लेकिन फिर अपने ही तेरे भाई का भगवान श्री कृष्ण ने वध क्यों किया, अक्सर लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता है। फ्रेंड्स, महाभारत काल में प्रयाग में श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। हिरण्यधनु के मृत्यु के बाद एकलव्य वहां के राजा बने। एकलव्य के राजा बनने से पहले ही उनकी अंगूठे काटने वाली घटना हो चुकी थी। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते न केवल नकली श्री कृष्ण के दुश्मन पौंड्रक का साथ दिया था, बल्कि जरासंध से भी जा मिले थे। पौंड्रक का वध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया, लेकिन फिर एकलव्य जरासंध के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना और सेना में हाहाकार मचने लगी, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनसे लड़ाई करने पहुंचे, लेकिन वो युद्ध में एकलव्य को केवल 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा ही नहीं था कि एकलव्य अब भी इतना धनुर्धर और दक्ष होगा। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम थे। इसके बाद इसी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध कर दिया था। बाद में एकलव्य का पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथ से मारा गया था। कहते हैं कि महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ने एकलव्य को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का न्योता भेजा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था एकलव्य का वध किया जा चुका है। एक मान्यता यह भी है कि एकलव्य को केवल 2 उंगलियों से इतनी निपुणता से बाण चलाते देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि एकलव्य भी धर्म की स्थापना में रोड़ा बन सकता है, इसलिए उन्होंने उसके वध का निश्चय किया। मथुरा के युद्ध में एकलव्य ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न पर आक्रमण किया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ललकारा और एक भारी शिला से उसका वध कर दिया। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति अपना समर्थन और पक्ष सिद्ध करने के लिए कई ऐसे वीरों को राजनीतिक तरीके से और छल पूर्वक रास्ते से हटाया था, और उन्होंने यह बात मानी भी कि अर्जुन के प्रति उनका स्नेह बाकियों से बहुत अधिक है। महाभारत के द्रोण पर्व के 180वें अध्याय के श्लोक 32 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मगध राज जरासंध महामनस्वी चेदिराज शिशुपाल और निषाद महाबाहु एकलव्य, इन सबको मैंने ही तुम्हारे हित के लिए विभिन्न उपायों द्वारा एक एक करके मार डाला है। महाभारत के द्रोण पर्व के 181वें अध्याय के श्लोक 2 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, जरासंध शिशुपाल और महाबली एकलव्य, यदि ये पहले ही मारे ना गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। ये चारों मिलकर यदि दुर्योधन का पक्ष लेते तो पृथ्वी को अवश्य जीत लेते। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।